हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष। और बिग बॉस के घर से सिम्बा बाहर निकल कर आए हैं, और ऐसे में मैं और मेरे कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने उनसे बातचीत की है। ऑनलाइन हम लोग जुड़े भी थे और उनसे कुछ सवाल जवाब भी हुए थे। चलिए सुनाती हूँ आपसे और आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो घर से निकल के अपने घर में क्या किया सबसे पहले? जी सबसे पहले मैं आया, मैंने खोला इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम खोल के मैंने देखा कि लोगों को जो मेरे बारे में सोचना है वो क्या सोचना है। तो सबसे पहले रास्ते में घर तो मैंने यही किया, लेकिन एक बार जो मैं घर पहुंच गया तो मुझे वाकई में एक रिलीफ चाहिए था, एक वाकई में एक एग्जिट चाहिए था, जो कि उस घर से मुझे उस घर वाले जोन से थोड़ा बाहर आना था। तो रास्ते भर में मैंने काफी इंस्टाग्राम कर लिया था एंड मुझे लगा उस दिन के लिए वो काफी है। तो मैंने घर आके अपना एक शावर लिया और एक फ्रेश माइंड के साथ एकदम चिल किया एंड आते ही मैं अपने नॉर्मल रूटीन पे लग गया, जो कि मैं लैपटॉप सर्फिंग में करता हूँ, विच इज लाइक आई वाज लुकिंग फॉर गुड फिल्म्स, आई वाज लुकिंग फॉर गुड डेस्टिनेशंस जहाँ पे मैं भी हॉलीडे के लिए जा सकता हूँ एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरा ज्यादा ध्यान वहां पे था कि मैं कहाँ पे एक यू नो हॉलीडे बिता के आ सकता हूँ, तो मेरा सारा ध्यान वहीं पे था एंड गेम के बारे में उस दिन के बाद मैंने सोचा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। फिर ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि आप मतलब सिम्बा ऐसा क्या सोचकर निकले थे घर से कि बिग बॉस का घर ऐसा होगा। और जो शेर वाली बात कही थी, टाइगर वाली बात कही थी, सिम्बा नाम है, तो क्या वो जस्टिफाई हुआ? जी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि घर से मैं डेफिनेटली एक ओपिनियन लेके गया था अपना शो के बारे में एंड मैंने अपने आप से वादा किया था कि नो मैटर चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों ना आ जाए मेरे सर पर, आई एम गोना यू नो होल्ड बैक टू माई सेल्फ एंड जितना ज्यादा नेचुरली मैं उनके हिसाब से रियल लाइफ में रिएक्ट करता मैंने कंपैरेटिवली उतना ही रिएक्ट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकॉज ये हमारा मानना, ये शायद ह्यूमंस को लगता है कि यू नो लायन जो है, टाइगर जो है, या जितने भी वाइल्ड कैट्स हैं, जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, जबकि नहीं, वो सिर्फ तब और अगर आप देखेंगे शेर को शिकार करते हुए भी तो वो कभी भी एग्रेसिव होके शिकार नहीं करता है, वो बहुत ही ज्यादा यू नो ऑन द पॉइंट शिकार करता है कि मैं सीधा इंसान जानवर की गर्दन पे झपटू और उसकी कहानी भी खत्म हो और मैं भी अपना भर पेट खाऊं। उसकी फिलोसफी वो होती है, उसकी फिलोसफी ये नहीं होती कि मेरे को उससे लड़ना पड़ेगा या अच्छा, ये बताइए कि एग्जैक्टली जब बिग बॉस की बात आती है तो आपने क्या नया यहाँ पर सीखा जो शायद पहले के रियलिटी शोज में उतना नहीं सीखा आपने, या मौका नहीं मिला होगा? जी मैं आपको एक चीज क्लियर कट बताऊं तो बिग बॉस मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रियल रियलिटी शो है, जितना अभी मतलब कि मैंने अभी तक रियलिटी शोज किए उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो फिर बिग बॉस में सबसे ज्यादा रियलिटी है। इट्स एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आई पर्सनली बिलीव कि यू नो आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, अगर हम आपको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दें तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं एंड दैट्स द रीजन आई फील कि बिग बॉस हम पे इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस डालते हैं कि अगर ऐसे में आप किसको चूज करेंगे, ऐसे में आप किसको चूज करेंगे, बिकॉज इन द एंड वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, बट इन द एंड अगर आप ऐसी सिचुएशन में हमको डाल देते हैं, हाउ कामली एंड हाउ यू नो पेशेंटली आप उस चीज को डील करें, दैट्स ऑलवेज बिन माई वे ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं किसी भी छोटी से, हमें रियल लाइफ में क्या सिखाते हैं, हमें रियल लाइफ में सिखाते हैं अगर आपकी हार हो गई या अगर कोई चीज आपके यू नो अकॉर्डिंगली वर्क नहीं की गई, सो जस्ट बी काम, जस्ट बी पेशेंट, वेट फॉर द राइट टाइम एंड स्टफ फॉर राइट। वही चीज जो मैंने लाइफ में ये सब सीखे वही सब मैंने शो में भी दिखाई एंड रियल लाइफ में एग्रेशन मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया है एंड जो मेरे लिए कभी वर्क ही नहीं किया है वो रॉन्ग मैसेज में व्यूअर्स को क्यों ही, जबकि मुझे नेचुरली गुस्सा नहीं भी आ रहा है तो भी मैं उस गुस्से को दिखाऊं। लेकिन अगर मुझे तो ऐसा लगता है अगर हमें गुस्सा आ भी रहा होता है तो भी हमें उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं, यू नो इससे अच्छा हम कहीं उसको बाहर निकाले, अनशन शब्द बोल दे, अनशन बोल दे किसी को,
रादर उसको आप काम कर लीजिए, और जहां पे मुझे गुस्सा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है वहां पे भी अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाऊं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाऊं, सो दैट्स नॉट मी. आई एम नॉट हंग्री फॉर कैमरा अटेंशन, आई एम नॉट हंग्री फॉर स्क्रीन स्पेस. अगर आपको मेरा कोई हिस्सा दिखाना है तो दिखाइए कि मैं मजाक कैसे करता हूँ, आप दिखाइए कि मैं दोस्तों के साथ कैसा रहता हूँ, आप दिखाइए कि मैं किस तरीके की बातें करता हूँ, क्या मेरी एक्सपीरियंसेस रही है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेरा एग्रेसिव साइड दिखाइए. आई डोंट अग्री टू दैट एट ऑल, एंड आई हैव नेवर बीन मोटिवेटेड बाय सच बिहेवियर. फ्रेंड्स, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि करण और तेजा की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं सिम्बा। जी अगर मैं बात करूं करण और तेजा की, तो उन दोनों की इंडिविजुअल पर्सनालिटीज बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं. दोनों बहुत ही प्यारे इंसान हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा वार्म हैं, बहुत फ्रेंडली हैं एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं. लेकिन जब बात आ जाती है गेम के रिलेशन में, तो मुझे दोनों के अंदर ही एक अलग इंसान देखने को मिलता था. एंड आई'ल बी रियली ऑनेस्ट हियर, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, दैट अगर मैं उनके रिलेशनशिप की बात करूं तो वो मुझे फेक तो नहीं कहूंगा मैं, फेक इज अ वेरी बिग टर्म टू से, लेकिन मैं उसको फोर्स्ड कहूंगा कि यू नो कहीं ना कहीं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फोर्स जरूर किया जा रहा है, चाहे वो नेचुरली फील हो ना हो, बिकॉज कुछ चीजें मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस की हैं, देखी हैं. एंड जहां जहां पे मुझे लगा है, काफी हद तक मुझे बीच बीच में ऐसा भी लगा है दैट दे डोंट वांट टू स्टिक अराउंड राइट नाउ, बट दे हैव टू प्रोबब्ली, दैट्स व्हाई दे आर. तो मुझे वो चीज फोर्स्ड लगी है कहीं ना कहीं, कि उन्होंने कि देखेगा क्या हमें ये करना पड़ेगा और ये सब, मतलब कि ठीक है अब असलियत क्या है वो तो गेम के बाद में क्लियर हो ही जाएगी सबको. अगर उनका वाकई में कनेक्शन बहुत रियल था देन इट्स गोना गेट कैरीड फॉरवर्ड, लेकिन जितना गेम में मैंने देखा फेक नहीं कहूंगा लेकिन फोर्स जरूर कहना चाहूंगा कि था. तो चलिए ये जान लेते हैं सिम्बा से कि घर में रियल कौन लगता है और फेक कौन लगता है जब तक वो रहे हैं घर पर। सबसे ज्यादा रियल अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है तीन लोग अभी काफी रियल हैं, जो कि हैं निशांत, प्रतीक और शमिता. मुझे लगता है एक हद तक काफी रियल हैं. एंड अगर मैं फेक की बात करूँ देन अगेन आई विल से फेक इज अ वेरी बिग टर्म टू से, लेकिन हाँ जो काफी हद तक अनरियल हैं एंड आई विल एक्सपेक्ट मोर रियलिज्म आउट ऑफ देम, दैट्स गोना बी करण एंड तेजा. साथ ही फ्रेंड्स ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या वो अपने आप को कॉर्नर कर रहे थे, कहाँ छुप गए थे और कहाँ वो सोते हुए मिल गए थे लोगों को। जी मैं आपको एक बात बताऊंगा, कॉर्नर करने की बात रही तो मैंने अपने आप को कभी बिल्कुल नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ पलों में मेरे को ऐसा जरूर लगा कि मुझे अपने साथ कुछ वक्त बिताना है, बिकॉज हर वक्त 30 दिन होने के बाद भी अगर मैं उन्हीं लोगों के बीच में, देन आई वॉन्ट सम पर्सनल स्पेस इन माई लाइफ. मैं अपने साथ कुछ वक्त बिताने की मुझे आदत रही, और मैं चाहता हूँ कि दिन में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट मुझे ऐसे मिले जब मैं खुद के साथ बिताऊं. एंड रही बात फैंस के बारे में, देन मैंने पहले ही बोला है कि फैंस को अगर ये उम्मीद है शो से कि लड़ना झगड़ना और ये सब वो सब दिखाना है, देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट सिम्बा दैट यू एक्सपेक्टेड इट टू बी. रियल लाइफ सिम्बा इज लाइक एक्सट्रीमली काम, पोलाइट एंड हम्बल, एंड यू नो वो प्यार में विश्वास रखता है, प्यार फैलाने में विश्वास रखता है, दुश्मनी जैसी चीजों को और नेगेटिविटी को वो इग्नोर ही करता है रियल लाइफ में. और वही मैंने शो में किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ, एंड मेरे को कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे स्क्रीन स्पेस लेनी है या मैं कैसे इतना कैसे करके दिख जाऊं या ये सब वो सब, मेरे अंदर कभी वो चाह थी नहीं, बिकॉज इन द एंड इट्स अ रियलिटी शो एंड पीपल वांट टू सी हु यू रियली आर, एंड जो मैं रियल रह के बन सकता था मैं बना. कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहां पे मुझे लगा था कि मुझे आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी वहां पे नहीं आया जस्ट बिकॉज दैट वाज माय कॉल. मुझे वो मुद्दे शायद इतने ज्यादा लेजिट नहीं लगते थे, लेकिन अगर आप बात कर रही हैं उस पर्टिकुलर डे की जहाँ पे 10 बार कैमरा मुझ पर पैन किया गया था सोते, तो यस आई लाइक टू टेल यू दैट इट वाज कम्प्लीटली अनइंटेंशनल. मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि मैं जाके सोच रहा हूँ, मेरे को बस खुद के लिए 5 से 10 मिनट चाहिए थे जिसके बारे में मैं कुछ सोच रहा था, एंड सोचते सोचते मेरी आंख लग गई होगी मे बी, बट उस चीज को इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है दैट आई डिडंट नो. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वहां पे सिर्फ मैं नहीं हर एक सदस्य बहुत ज्यादा सोता था, एंड इसमें मैं उनकी गलती भी नहीं निकालता और मैं ही अपनी निकालता हूँ, बिकॉज अगर आप दिन में इंसान से कुछ नहीं करवाएंगे देन नींद आना बहुत ही ज्यादा लाजमी है. एंड दैट वॉज अ डे जिस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, हमने रेगुलर अपना रूटीन किया था, मैंने खाना पकाया था, मैंने वर्कआउट किया था, मैंने 2-4 बातें की थी,
एंड दैट सेट उससे ज्यादा मैं क्या करूँ, अब मेरे को फालतू में देखने के लिए कोई मुद्दा उठाने की जरूरत है नहीं, एंड मुझे नहीं पता था कि मेरे सोने के बाद ऐसा मुद्दे उठ जाएंगे, बट मैं जरूर उठ जाएगा हुआ रहता। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो लोगों के सामने उठ कर आया, दैट वाज आतंकवादी शब्द। इस शब्द से जुड़ी जो उनकी साइड ऑफ स्टोरी है, मैंने वो भी जानने की कोशिश की। जी, अगर आप उस पल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं उमर को हमेशा ही अपना एक बहुत ही करीबी दोस्त माना है, एंड जैसे इंसान वो रियल लाइफ में है जो कि है बहुत ही प्यारे एंड बहुत ही गिविंग, बहुत ही लविंग, अगर वो ऐसे इंसान है तो ही मैं उनको अपना दोस्त समझता हूँ। और अगर मेरे दोस्त मानने के बावजूद अगर वो मुझ पर पर्सनल रिमार्क्स देते हैं, मेरी फैमिली पे जाते हैं, दैट्स वो मैं नहीं झेल सकता। एंड अगर मैंने उनको कुछ ऐसा बोला भी जो कि मुझे रियली एक्चुअली स्वेयर ऑन गॉड ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने उनको ऐसा भी पर्टिकुलर टर्म बोला हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ टेलीकास्ट में आया जो कि मैंने देखा भी नहीं, अगर मेरे मुंह से निकल भी गया हो, तो वो सब उसके एक्शंस के रिलेशन में होगा। वो ऑब्वियसली दूर दूर तक कहीं भी धर्म का तो उससे कोई लेना देना था नहीं, रिलीजन का उससे कोई लेना देना था नहीं, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, बिकॉज वो किसी के बारे में फिजिकली और इमोशनली नहीं सोचते थे। आउट ऑफ दैट एंगर वो वर्ड निकला होगा जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है, एंड मैं अपने आप से खुद उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर लोगों को ये चीज दिखी है या उनको लगती है कि मैंने बोल दिया, तो मैं बताना चाहूंगा कि दूर दूर तक वो बात रिलीजन से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी, वो बात बिल्कुल भी किसी चीज में जुड़ी नहीं थी। मेरा मानना यही है कि भगवान एक होते हैं, एंड रिलीजन जो है मैं उन सबकी बराबरी पे रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उस मामले में रिमार्क आप भी मुझसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, एंड बिल्कुल भी मैं खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं ऐसी बात बोल सकता हूँ। और लास्ट में हमने सिम्बा से एक ही सवाल पूछा कि क्या आप वापस से बिग बॉस के घर में जाना चाहेंगे? जी, मैं डेफिनेटली जाना चाहूंगा, अगर मुझे फिर से मौका मिलता है बिग बॉस के घर में जाने का एज अ वाइल्ड कार्ड, मैं जरूर जाना चाहूंगा, बिकॉज मेरा मानना ये है कि अभी मेरी लाइफ में जो फेस चल रहा है इससे बिग बॉस फेस, और ऐसे वक्त के साथ साथ फेजेस आते हैं जिसको मैं कम्प्लीटली अपना आपको डिवोट कर देता हूँ, एंड अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर वापस जाना चाहूंगा, लेकिन मैं वही सिम्बा बनके रहूंगा जो कि मैं अभी तक था। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा इनपुट गेम में देना चाहूंगा, जब तक वो मेरे जमीर को हर्ट नहीं करता, जब तक वो मेरे प्रिंसिपल्स को हर्ट नहीं करता, तब तक मैं हमेशा वो गेम खेलना चाहूंगा। लेकिन अगर किसी को चोट पहुंचाने की बात है और किसी के पीछे धोखाधड़ी करने की बात है, तो और एग्रेशन फालतू में ये देखने के बेतुके मुद्दों पे एग्रेशन आ रहा है, वो सब आप मुझसे प्लीज उसके बाद भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही जाऊंगा। लेकिन हाँ, गेम की तरफ थोड़ी सी और इनपुट मैं देना चाहूंगा और ज्यादा एफर्ट देना चाहूंगा, एंड जरूर जाना चाहूंगा अगर मौका मिलता है।